फिल्म संगम में काम करने के लिए दिलीप कुमार ने राज कपूर के सामने रखी थी ये शर्त। राज कपूर और दिलीप कुमार के निजी ताल्लुकात काफी अच्छे थे, दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे और उनका पारिवारिक रिश्ता भी काफी मजबूत था। लेकिन जब भी साथ काम करने की बात आती दिलीप कुमार टाल देते। दोनों ने पूरे करियर में सिर्फ एक बार महबूब खान की फिल्म अंदाज में एक साथ काम किया, लेकिन ये अनुभव शायद दिलीप कुमार के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, इसलिए दिलीप साहब ने फिर कभी राज कपूर के साथ काम नहीं किया। राज कपूर जब फिल्म संगम का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने बहुत कोशिश की दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। जब राज कपूर काफी जिद करने लगे तो दिलीप कुमार ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी जिसे मानना राज कपूर के लिए संभव नहीं था। राज कपूर संगम को एक यादगार फिल्म के तौर पर पेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के दूसरे हीरो के लिए दिलीप कुमार को अप्रोच किया और उनसे कहा कि इस फिल्म के दो हीरो हैं, तुम्हें जो भी रोल पसंद आता है अपने लिए चुन लो। दिलीप कुमार इस फिल्म में काम तो करना चाहते थे लेकिन वैजयंती माला की कास्टिंग के कारण हिचक रहे थे। राज कपूर से पहले वैजयंती माला दिलीप कुमार के भी काफी करीब रह चुकी थी और यही राज कपूर की दिलचस्पी की वजह भी थी। जब दिलीप कुमार नानुकुर करने लगे तो राज कपूर जिद पर उतर आए। राज कपूर की दोस्ती के कारण दिलीप साहब सीधे तौर पर ना भी नहीं कह सकते थे। दिलीप कुमार ने राज कपूर से कहा कि वो इस फिल्म में काम करने को तैयार हैं, मगर उनकी शर्त है कि इस फिल्म को कोई और डायरेक्ट करे। दरअसल दिलीप कुमार को राज कपूर के निर्देशन में काम करना मंजूर नहीं था, जबकि राज कपूर अपने अलावा निर्देशक के तौर पर किसी और के बारे में सोचने को तैयार नहीं थे। राज कपूर समझ गए कि दिलीप कुमार क्या चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। बाद में इस फिल्म में राजेंद्र कुमार को ले लिया। इसके बाद राज कपूर के दिमाग में फिर कभी दिलीप कुमार के साथ काम करने का ख्याल ही नहीं आया।